टुडे हम दिस वीडियो फॉर रश्मि देसाई। इसमें मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं पुटअप करना चाहूँगी। कई लोगों ने पूछा हुआ है मेल के थ्रू या कहीं ना कहीं चेक करने के लिए कि रश्मि देसाई का कोई इन्वॉल्वमेंट तो नहीं था सिद्धार्थ शुक्ला के डेथ के प्लान करने में या ब्लैक मैजिक या इस तरह से चीज़, और मैं देखूँगी कि उनका फ्यूचर क्या कह रहा है। तो ये दोनों ही मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मेरे प्रश्न हैं जो कि मैं रखूँगी अपने कार्ड्स के सामने। और इसमें मैं ये देखना चाहूँगी सबसे पहले कि इनका इसमें इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है। रश्मि देसाई मेरे आसपास तो कई डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं। प्लीज़ मुझे बताएं कि रश्मि देसाई का कोई इन्वॉल्वमेंट है सिद्धार्थ शुक्ला के डेथ प्लानिंग में, ब्लैक मैजिक करने में या इस तरह से, क्योंकि बहुत लोगों ने पूछा हुआ है, फैंस जानना चाहते हैं कि असलियत क्या है। सभी जो सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस हों, चाहे शहनाज गिल के हों, चाहे रश्मि देसाई के फैंस हो, सभी को जानने का हक है कि रश्मि देसाई का इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है। अगर है तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा, अगर नहीं है तो मैं नेगेटिव कार्ड को ना मैं समझूंगी कि रश्मि देसाई का इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं। नेगेटिव कार्ड है और रश्मि देसाई का कोई भी किसी भी तरह का यहाँ इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मैंने यही पूछा था आप लोगों के सामने कि इनका इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है। नहीं मतलब नहीं है। इनका स्पिरिट की तरफ से मैसेज है कि डेथ प्लान करने में, सिद्धार्थ शुक्ला की डेथ का प्लान करने में इनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जो लोग कई लोग जो है यहाँ मुझको उन्होंने मेल के थ्रू भी पूछा और वीडियो से मुझे सेंड किए कुछ कुछ टैरो कार्ड रीडर्स के कि इस तरह से रीडिंग आ रही है। मुझे औरों का तो नहीं मालूम, लेकिन मेरे प्रिडिक्शन पे मुझे पूरा भरोसा है, आज तक गलत नहीं हुई है। और आप सब भी इस बात को जानते हैं, जो लोग भी मेरे पुराने जो व्यूअर्स चले आ रहे हैं वो सब इस बात को जानते हैं। तो और जो नए आए हैं उन लोगों ने भी देखा हुआ है, ऐसा नहीं है। तो ये बात अलग है कि कभी जो है मान लीजिए कि कभी किसी के लिए कोई नेगेटिव कार्ड अगर आ रहा है, जैसे शहनाज गिल को लेकर के उन्होंने पूछा हुआ है कि डेथ का कार्ड आ रहा है, तो ये सब चीज़ें जो आ रही हैं, देखिए अगर किसी के किस्मत में लिखा हुआ है तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि बर्निंग टावर का कार्ड बराबर इधर से आ रहा था। लेकिन ये भी है कि हो सकता है कि ओवरकम कर ले जाए, उस वक्त हो सकता है प्लानिंग हो रही हो कि इनको भी जो है हटाया जाए रास्ते से। आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। लेकिन उनको ना हटा के सिद्धार्थ शुक्ला को कहीं ना कहीं सडन डेथ हुई है इनकी, क्योंकि कई जगह ये चीज़ स्पिरिट बॉक्स के थ्रू भी ये चीज़ पता की गई है कि इनकी ये नेचुरल डेथ का इनको जो है वो बनाया गया है कि नेचुरल डेथ है, जबकि ये नेचुरल डेथ उनकी नहीं है। उनका साफ तौर से मैं कहूँ तो उनको जो है वो पॉइजन देके किस तरीके से उनको, क्योंकि उनकी हेल्थ इंजरी थी और उसके बाद प्लान्ड वे में उनको किया गया है ताकि एविडेंसेस जो है मिल ना पाए, तो एक प्लान्ड वे में किया गया है उनका मर्डर। रश्मि निर्दोष है, रश्मि यहाँ नेगेटिव कार्ड है, बिल्कुल नेगेटिव कार्ड है, इनका कोई इसमें हाथ नहीं है। और वैसे भी इतना बड़ा वेल प्लान तरीके से सब कुछ जो है केवल यहाँ पे एक जेंट्स का ही काम हो सकता है, क्योंकि काफ़ी प्लान करके इस चीज़ को अंजाम दिया गया था इनकी डेथ को। अगर आप पिछले वीडियोस में देखेंगे साफ पता चल जाएगा कि एक मेल का काम है, ये किसी लेडी का काम नहीं है ये इनकी डेथ में। तो हाँ ये है कि सब लोग उनको चाहते थे और पाना चाहते थे सब लड़कियाँ, उसका मतलब ये नहीं था कि उनको मार डालेंगे, ऐसा नहीं था। लेकिन मेल का काम है जो कि एक पावरफुल कोई है उसमें ये कार्ड शो कर रहा था। मैं इनका फ्यूचर देख लेती हूँ। मेरे आसपास जो कोई डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज, प्लीज़ मुझे बताएं कि रश्मि देसाई का आज से लेकर के आगे तक का फ्यूचर इनका क्या है। करियर में अगर मैं जानना चाहूँ कि करियर में इनकी फ्यूचर क्या है, प्रोफेशनल इनकी लाइफ में फ्यूचर क्या शो कर रहा है रश्मि देसाई का,
यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इस वक्त रश्मि देसाई बहुत ही बंदी बंदी सी नेगेटिव कार्ड है। फर्स्ट ही नेगेटिव कार्ड है, इट शोज दैट बहुत सारे फाउंडेशन हैं, बंदी बंदी से घूम रही हैं वो बहुत ज़्यादा। उनको जो है समझ में नहीं आ रहा कि मैं ये करूँ कि मैं वो करूँ, मैं किस तरीके से अपने आप के प्रोफेशनल लाइफ को जो है वो स्टैंड आउट करूँ। मुझे लगता है वो खुद भी डिस्टर्ब है, तो क्योंकि कई उसमें वीडियोस में आया था कि दैट शी इज़ क्राइंग आफ्टर डेथ ऑफ सिद्धार्थ शुक्ला। तो मुझे लगता है कि अभी बहुत सारे फाउंडेशंस हैं, करियर के बारे में उनका दिमाग बहुत परेशान है और उनको लव ऑफ फेम पाने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है जनता से। और चाहती तो बहुत है कि मैं फेमस अपना हूँ और अपना जो है कोई मूवी कुछ ऐसा वेब सीरीज लेकर के मैं अपने सामने ना, लेकिन फाउंडेशंस बहुत ज़्यादा हैं और इस वक्त उनको बहुत ज़रूरी है मैसेज हैं इस तरफ से कि उनको मैच्योरिटी रखना बहुत ज़रूरी है। हालांकि वो इतना स्ट्रगल करके आई हैं तो मैच्योर तो होंगी ही, लेकिन अभी उनको जो ये फाउंडेशंस हो रहे हैं उस पर थोड़ा सा समझदारी के साथ काम लें और थोड़ा सा संभल के उसमें से निकलें। तो यहाँ पे लेकिन फिर भी उनके थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, उनके दिमाग में बहुत सारी चिंताएँ वरीज बेवजह की परेशानियाँ उनके दिमाग में घूम रही हैं और मुझे लगता है ये घूमती रहेंगी उनके दिमाग में। और यहाँ पे वो चीज़ों को ठीक से प्लान नहीं कर पा रही हैं, उनको थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। चाह तो रही हैं कि अच्छे से प्लान हो जाए उनकी ज़िंदगी, करियर के लाइन में कहाँ उनको किस उस पर जो है प्रोजेक्ट पे वेब सीरीज़ पे काम कर, जो भी वो सोच रही हूँ अपने करियर लाइन में उसमें प्लानिंग करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। इनके जो है न्यू ओरिजिन का कार्ड है, कुछ नया ये अब इस वक्त सोच रही हैं करियर में, हो सकता है कुछ नई शुरुआत हो। तो ये बिल्कुल एकदम मतलब रेडी हैं ये कुछ ना कुछ नया करने के लिए फ्यूचर में, और हम सभी चाहते हैं रश्मि देसाई कुछ ना कुछ नया लेकर के आएँ। इसके अलावा क्या इसके आगे मैसेज है मैं ये देखना चाहूँगी रश्मि देसाई के करियर को लेकर के। अभी थोड़ी सी मुश्किलें हैं, थोड़ा सा उनको फाउंडेशंस हैं, दिमाग में बहुत सारी परेशानियाँ हैं, ऑब्वियस सी बात है इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है तो परेशानी तो होगी ही। यहाँ पे जो नेक्स्ट कार्ड है इनके ये शो कर रहा है कि रश्मि देसाई इस वक्त एक गॉडेस का कार्ड है, जो कि एक बहुत ही अच्छी लेडी को यहाँ पे दिखा रहा है। ये इस वक्त अपने आप को फ्यूचर में अपने आप को निखारने में, अपने आप को करियर लाइन में और अच्छा करने की, बेहतर करने की कोशिश करेंगी, कॉन्फिडेंट रहेंगी, कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ रहेगा। किसी पिता समान व्यक्ति से जो इनको सपोर्ट करता हो, कोई मेल, कोई भाई, कोई भी हो सकता है घर का कोई जना, या कोई कोई डायरेक्टर हो सकता है, कोई भी जो इनको सपोर्ट करता हो उससे बहुत सपोर्ट इनको मिलेगा, उससे इनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। चीज़ों को विन करेंगी, जीत हासिल करेंगी, जद्दोजहद बहुत करना, हार्ड वर्क करके जीतना, और मिलेगा ही, जीतेंगी और तब जाकर के इनकी जीत अगेन विन और विक्ट्री का कार्ड है। दैट मीन्स कि ये चीज़ों को विन करेंगी आगे करियर लाइन में, और चीज़ों को देख पढ़ के अच्छे से जैसे स्टडी करके एनालाइज करके ये चीज़ें ऐसे तरीके से प्लान करेंगी सब चीज़ें कि इनकी लाइफ जो है वो ठीक से सेटल हो सके। ये बहुत ज़्यादा इस कोशिश में है, तो फ्यूचर में ये शो भी कर रहा है दैट शी विल प्लान फॉर बेटर करियर लाइन। कुछ हो सकता है कि ये, क्योंकि हाँ ये भी कार्ड ये कहता है कि दैट शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, द पर्सन इज़ वेरी इंटेलिजेंट। तो जाहिर सी बात है जो पर्सन इंटेलिजेंट है वो चीज़ों को प्लान भी करेगा, समझदार भी हैं और मैच्योर तो कह रहे हैं, स्पिरिचुअल बहुत हैं, ये स्पिरिचुअलिटी का कार्ड है, इनको स्पिरिचुअल रहना भी चाहिए, अपनी स्पिरिचुअलिटी को नहीं छोड़ना चाहिए। जिस किसी भी गॉड को ये मानती हैं उनके सामने प्रेयर करें कि उनकी वो रक्षा करें किसी तरीके से। तो ये इनका जो करियर लाइन है एटलीस्ट वो उनकी पर्सनल लाइफ भी अच्छी बनी रहेगी। आई थिंक जिस किसी ने मुझसे पूछा था कि रश्मि देसाई का एक तो मैंने यहाँ पे करियर उनका प्रोफेशनल लाइफ आपको मैसेज मिल गया होगा, अभी शुरुआत में थोड़ा सा प्रॉब्लम है रहेगी थोड़ा आने वाले समय में, उसके बाद फिर उससे ये निकल जाएंगी जैसे समय बीतता चला जाएगा, उसके बाद ये अपने स्टैंडर्ड करेगी, कुछ न्यू बिगनिंग का समय दिखा रहा है तो कुछ नया ये करना चाहेंगी, कुछ नई वेब सीरीज या इस तरह से प्रोजेक्ट पर काम करना चाहेंगी जिससे इनका जो है कॉन्फिडेंस भी जो है अच्छा बढ़ा रहेगा, जीतेंगी, विन है, विक्ट्री का कार्ड है। और यहाँ जहाँ तक कई लोगों ने पूछा कि सिद्धार्थ शुक्ला के ब्लैक मैजिक करने में और इन सब, नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। इसमें मैं ये कहूँगी कि सिद्धार्थ शुक्ला का वेल प्लान्ड जैसे भी करके उनके ऊपर जो भी जिस किसी ने भी उनको हार्म करने की कोशिश करी है दैट इज़ अनदर केस,
उनको रश्मि देसाई में इन्वॉल्व मत करिए, क्योंकि वो खुद स्ट्रगल करके आई रश्मि देसाई, और जो इंसान खुद इतनी दिक्कतें झेल के आया हो वो दूसरे को मारने के क्या सोचेगा। तो उनको वैसे भी ये इतना, सिद्धार्थ शुक्ला तो ऑलरेडी इतने इतनी स्ट्रांग पर्सनैलिटी थे कि कोई बहुत ज़्यादा कोई हायर अथॉरिटी स्ट्रांग पर्सनैलिटी जिसकी कानून और प्रशासन जिसके हाथ में हो, पैसा फेंके और काम हो जाए, ये चीज़ होती है किसी को मारने के लिए, क्रिमिनल्स का काम है। तो कौन है, जो कोई भी है, कार्ड्स में पिछले उसमें निकल के आया था, स्टैटिस्टिक्स ही मैंने आपको बताए थे कि कौन है, तो वो है, वो अलग केस है। रश्मि को इसमें इन्वॉल्व ना करिए क्योंकि वो निर्दोष है, नेगेटिव कार्ड साफ साफ आया था। तो आई थिंक मैसेज इज वेरी क्लियर फॉर ऑल द फैंस एंड ऑल द पब्लिक कि रश्मि देसाई का कोई इससे, मेरी प्रेडिक्शन में तो नहीं आ रहा है, मुझे बाकी टैरो कार्ड रीडर्स का नहीं मालूम है, मेरी प्रेडिक्शन सही जाती है, उसमें कोई ऐसी शक वाली बात नहीं होनी चाहिए, आप लोगों के मन में भी नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।